और ये संभव है तब जब मन का नियंत्रण होता है तब। इसलिए ध्यान का एकमात्र लक्ष्य यदि माना जाए तो वह होता है मन का केंद्रीकरण, मन का वास्तविक रूप बदलना, मन को अमन बना देना। और इसीलिए उस वृत्ति को उन्मुनि वृत्ति कहते हैं फिर। और जब उन्मुनि वृत्ति होती है तब साधक का ध्यान स्थिर हो जाता है। और जब ध्यान स्थिर होता है तब क्या होता है, संलग्न संपुटान्यष्टौ कंजानि स्फोटयन्ति ये प्राणापान निरोधेन तेजः पश्यन्ति तेषु ते। साधक साधना कर रहा है, योग क्रिया कर रहा है, प्राणायाम आदि कर रहा है, त्रिकुटी में चित्त को एकाग्र कर रहा है, तब उस चित्त की एकाग्रता के कारण उसके कमलों का खिलना शुरू हो जाता है। और जो जो उसके कमल खिलते जाते हैं त्यों त्यों वह अधिक से अधिक उस ध्यान में, उस समाधि में मग्न होने लगता है। और प्रत्येक चक्र को, प्रत्येक कमल को, जिसको योग शास्त्र में भिन्न भिन्न नाम दिए हैं, वहाँ पर वो आराधना साधना करता जाता है और उससे आगे बढ़ता जाता है। प्रत्येक चक्र पर प्रत्येक साधक को कितनी कितनी साधना करनी चाहिए ये भी इस ग्रंथ में समझाइए। और किस तरह से अजपा जाप करना है, जिनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, उस अजपा जाप का किस चक्र पर कितना विधान है, कितना करना चाहिए, तब उसका वो चक्र प्रस्फुटित हो सकता है, कमल खिल सकता है। यह अलग अलग चक्रों के लिए अलग अलग संख्या बताई जाती है। और साधक के लिए जो चक्र हैं, जो कमल हैं, उनकी संख्या कितनी है, इनके बारे में इस ग्रंथ में समझाया है। हम लोग उस सब जटिलता में नहीं जाएंगे, जबकि नाम हमने आपको बताया कि कैसे कैसे ये चक्रों के नाम हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत आदि, जो उनका ये योग के विषय को समझने का अपना एक क्षेत्र होता है। और समझने के लिए तो बहुत अच्छा है, जानने लायक तो बहुत है, क्योंकि योग में आप करो कि नहीं करो, सुनने लायक बहुत है, क्योंकि बहुत सारे लोग सुनते ही हैं करते नहीं हैं, प्रायः ऐसा देखने को मिलता है। क्योंकि सुना, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, जैसे मान लो कि नेति, धोती, बस्ती, वज्रोली, अमरोली आदि क्रियाओं की बात आती है, कभी कभी कोई आते हैं नेति सीख लेते हैं, एक दो बार कर लेते हैं फिर भूल जाते हैं। नेति क्रिया में क्या है, नासिका के अंदर में एक रबर की नली डाल देता है और उससे धीरे धीरे नासिका को साफ करता है। वास्तव में शरीर की शुद्धि के लिए अपनाए हुए साधन है। पुराने जमाने में बस्ती क्रिया अंतड़ियों को साफ करने के लिए प्रयोग की जाती थी। आज के जमाने में डॉक्टर लोग एनिमा देते हैं, वो एनिमा और कुछ नहीं है, वो बस्ती है, रूप बदला है। तो प्राचीन जमाने में अंतड़ियों की शुद्धि के लिए नैसर्गिक एनिमा लिया जाता था, प्राकृतिक रूप से, और उसके लिए न्योली आदि क्रियाएं की जाती थी। न्योली क्रिया करके अपनी अंतड़ियों को इतना प्रेशर दिया जाता था कि जिसके द्वारा वो अंतड़ियों में से सारा वायु निकल जाए और
एकदम अंतड़िया बिल्कुल खाली हो जाए और जब उनको छोड़ दे तो वो सारे पानी को खींच ले, क्योंकि वैक्यूम पैदा हो जाएगा तो अपने आप पानी को खींचेगा। तो इस तरह से वो नैसर्गिक बस्ती की जाती थी। अब तो प्रेशर से पानी अंदर दिया जाता है, वो भी है, उसका भी फायदा तो है। तो योग के ये सारे हठ योग के अंदर आने वाले साधन हैं। और जो योग में रुचि रखते हैं वो उसका उपयोग कर सकते हैं, उनके लाभ भी है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हैं। जैसे जो नेति वगैरह की क्रियाएं हैं वो नासिका को स्वच्छ करने के लिए बड़ी अच्छी हैं, साथ ही साथ आँखों को भी वो साफ करती हैं, क्योंकि नेति करने वाले व्यक्ति के आँख में से खूब आंसू निकलते हैं, तो धीरे 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 आँख की रोशनी भी खुलने लग जाती है। फिर कुछ लोग कुंजल क्रिया करते हैं तो उससे उसके द्वारा उसका पित्त दोष दूर हो जाता है, क्योंकि कुंजल क्रिया वह क्रिया है जब व्यक्ति पानी खूब पीता है और पानी पीकर एक साथ 1.5-2 लीटर पानी पी जाए और फिर उस पानी को वमन के द्वारा वापस निकाल लेता है। जिस तरह से हाथी पानी पीता है, सुंड में भर लेता है और सुंड से वापस बाहर फेंकता है, तो इस तरह से जो व्यक्ति कुंजल, उस क्रिया को कुंजल क्रिया, कुंजर के नाम से वो कुंजल क्रिया पड़ी, तो जो कुंजल क्रिया करेगा उसको, जिन लोगों को सीने में जलन होती रहती है, एसिडिटी जिनको होती है और छाती में जलता रहता है, ऐसे लोगों के लिए कुंजल क्रिया एक घर की दवा है। आप 2 लीटर कुनकुना गर्म पानी पी लो और जब एकदम पेट भर जाए पानी से, तब जहां आपका वॉश बेसिन हो उस वॉश बेसिन के पास जाओ और पेट को दबाओ और कमर से थोड़ा नीचे झुक जाओ, नीचे झुककर पेट को दबाओ और 2 उंगलियों को मुंह में डालो, वो सारा पानी बाहर आ जाएगा और सरलता से बाहर आ जाएगा। और यदि वो बाहर आ जाएगा तो अंदर जितना भी एसिड है अमाशय में इकट्ठा हुआ, वो सारा का सारा एसिड क्लीन हो जाएगा। और ऐसे आप यदि करोगे तो एसिडिटी का रोग तो अपने आप मिट जाएगा। तो ये कुंजल आदि क्रियाएं इस तरह से रोग को हटाने के लिए काम आती है, उपयोग है। इसलिए लोग यदि उनको व्यवस्थित करें तो अपने स्वास्थ्य को टिका के रख सकते हैं। लेकिन जिस सामाधिक सुख की चर्चा है, समाधि का सुख,